महाभारत में शकुनी का अहम किरदार निभाने वाले गोफी पेंटल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे 78 साल के थे। पिछले कई दिनों से गोफी दिल और किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। एक हफ्ते पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उस वक्त वे फरीदाबाद में थे। पहले उन्हें फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर कंडीशन खराब होने पर उन्हें मुंबई लाया गया। 80 के दशक में गोफी पेंटल कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आए। हालांकि गोफी पेंटल को असली पहचान 1988 में बीआर चोपड़ा के सुपरहिट शो महाभारत से मिली थी। शो में उन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था। गोफी आखिरी बार स्टार भारत के शो जय कन्हैया लाल की में नजर आए थे। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले गोफी पेंटल आर्मी में थे। उनका असली नाम सरबजीत सिंह पेंटल था। उन्होंने कहा था, 1962 में भारत चीन के बीच जब युद्ध चल रहा था तब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। युद्ध के दौरान भी कॉलेज में आर्मी की भर्तियां चल रही थी। मैं हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था। पहली पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई थी। बॉर्डर पर मनोरंजन के लिए टीवी और रेडियो नहीं होता था, इसलिए हम बॉर्डर पर रामलीला करते थे। रामलीला में मैं सीता का रोल किया करता था और रावण बना शख्स स्कूटर पर आकर मेरा अपहरण करता था। मुझे एक्टिंग का शौक तो था ही, इससे कुछ ट्रेनिंग भी मिल गई। एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई कमरजीत पेंटल के कहने पर 1969 में मुंबई आ गए। मॉडलिंग और एक्टिंग सीखी और कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। इस दौरान बीआर चोपड़ा की महाभारत में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। महाभारत में शकुनी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट फेस की तलाश थी। पेंटल ने शो के लिए सभी कैरेक्टर्स का ऑडिशन भी लिया था। इस रोल के लिए 3 लोगों को चुना गया था। इस बीच शो के स्क्रिप्ट लिख रहे मासूम रजा की नजर पेंटल पर पड़ी और उन्होंने पेंटल को ही शकुनी का रोल करने की सलाह दी। इस तरह गोफी ने महाभारत में मामा शकुनी का ऐसा किरदार निभाया जिसकी मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। हमारी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।